भाई बिग बॉस के घर में लगातार घमासान चालू है, कैप्टनसी टास्क के दौरान भी और कैप्टनसी टास्क के बाद भी। क्या कुछ चल रहा है लाइव स्ट्रीम में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं राइट ऑन टाइम। मुझसे बातचीत करने के लिए इंस्टाग्राम पर आ जाइए, मेरा यूजर नेम है RJ_IG। तो भाई क्या चल रहा है बिग बॉस के घर में लाइव स्ट्रीम में, कैप्टनसी टास्क के बाद एक बड़ी लड़ाई फिर से देखने को मिल रही है, और ये लड़ाई एक बार फिर से है राहुल वैद्य और एजाज खान के बीच में। यहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है लड़ाई झगड़े के बीच में कि शायद एजाज खान ने पहले किसी को गाली दी, शायद वो राहुल वैद्य को गाली दी, या राहुल वैद्य को लगा कि उनको गाली दी, और उसके बाद राहुल वैद्य ने उनसे कहा कि चुप, और इस चुप पर ट्रिगर कर गए हैं एजाज खान, और एजाज खान कह रहे हैं कि किसको चुप बोल रहा है, किसको चुप करा रहा है। इस तरीके से बात शुरू होती है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, और जिस तरीके से एजाज खान इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं, करीब आ जाते हैं, वही दिखाई दे रहा है कि वो फिर से करीब आ गए हैं राहुल वैद्य के, और राहुल वैद्य भी हट नहीं रहा है, वो भी बीच में हाथ किए हुए है, और फिर दोनों एक दूसरे को पुश करना शुरू कर देते हैं बिना हाथ लगाए। तो यहाँ पर तगड़ी फाइट देखने को एक बार फिर से मिल रही है एजाज और राहुल के बीच, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब राहुल वैद्य के रुबीना से भी बड़े दुश्मन हो गए हैं एजाज खान, जिस तरीके से ये लगातार लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।